प्लस के बारे में प्लीज़। बहुत स्लो सर्विस है। स्लो सर्विस है ना, आपके में भी लाइन वाला इशू हुआ था? एक साथ 15-20-30 लाइन आ गई। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ आरव के साथ इसका फोन लेके, क्योंकि इसका फोन बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। ऑन कहाँ से होता है ये देखो, 6-6, 7-7 लाइनें, 9 लाइनें आई हैं इसके फोन में, 9। तो ये लाइंस आ जा रही है वन प्लस के फोन में, बट वो फ्री सर्विस कर रहे हैं। तो ये कैसे आई थी? ये अपडेट करो, जैसे एंड्रॉइड का वर्जन लेटेस्ट वर्जन हम अपडेट कर रहे हैं तो लाइन आ जा रही है। हाँ, तो इसके साथ ये दूसरी बार हो गया है, पहली बार इसने ठीक करा लिया था, अभी वापस से आज हम सर्विस सेंटर देने जा रहे हैं फोन। बट हाँ, वन प्लस ने ये अच्छा किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको रिपेयर करा सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो करना भी पड़ेगा भाई, इतना महंगा फोन ले रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं अगर, ठीक है। इसमें दिख ही नहीं रहा है कुछ, 8-8, 9-9 लाइन्स हैं इसके फोन में। तो हम लोग जा रहे हैं कांदीवली में सर्विस सेंटर है, ईस्ट कांदीवली ईस्ट हाईवे के पास वन प्लस का सर्विस सेंटर है, ठीक है। यस, तो वहीं पर जा रहे थे। ये ठीक नहीं कराया, मेरे को बैठने में इतनी दिक्कत होती है इसकी बाइक में, अब मुझे इस पे पैर रखना पड़ता है, फिर मुझे चढ़ना पड़ता है ऊपर। ये देखो लड़का पार्किंग पे लगा के आया, धूप से बचने के लिए, इतनी धूप हो रही है। कितनी धूप हो रही, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इस मॉल में। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ। क्रोवर्स तो इसके अंदर है क्या उसका वो? वाव, कहाँ जाना है? वाव यार, अच्छा मॉल है यार ये। ओ माय गॉड, कितना कलरफुल है यार, ब्यूटीफुल है। वो देखो ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, मस्त। हाँ मस्त आएंगे, पहली बार आ रहे हैं हम लोग इस मॉल में। क्रोमा एसटी इंटीरियर, जब मॉल है यार, अभी तक हम क्यों नहीं आए इस मॉल में? ऊपर जाना है, ये देखो बच्चों के लिए पूरा यहाँ पे घुमाने के लिए ट्रेन भी है बच्चों के लिए। हाँ यार, घर के बगल में इतना अच्छा मॉल है, आज तक नहीं आए हम लोग। ये घर के बगल में नहीं है, घर से दूर है बहुत। ये बात तो है भाई, ये इंसान ऊपर चढ़वा दिया फालतू में, नीचे ही है। लाइफ में हमेशा ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। कौन सा वाला ऊपर? ऊपर तो हमेशा ही जाना है, कभी भी वो वाला ऊपर अभी नहीं जाना, अभी बहुत टाइम है। कैसे पता तुझे टाइम, हमको थोड़ी पता रहता अपना। नहीं मेरे को पता है, बहुत टाइम है अभी। अभी अभी किया ही क्या है लाइफ में, कुछ भी तो किया नहीं है, कुछ कर तो लें पहले। फीते खुल गए बच्चों के, फीते खुल गए। तो ये पीछे की तरफ से एंट्री करते ही था, फर्स्ट एकदम हम पूरा घूम के आए हैं, पीछे की तरफ से एंट्री करते ही था ये। अरे यार, भाई आप लोगों ने देखा कितनी भीड़ है, और 90% लोग वही हैं ग्रीन लाइन वाले। वन प्लस का इशू वही चल रहा है ना, ग्रीन लाइन का बहुत इशू। तो अभी ये लोग क्या ऑफर दे रहे हैं, 35,000 का वाउचर दे रहे हैं फोन के बदले, ठीक है। और बोल रहे हैं इसका डिस्प्ले आना बंद हो गया। वन प्लस 8 प्रो का डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है। हाँ। और इसके वन प्लस 8T का डिस्प्ले है, तो उनका तो रिप्लेस हो रहा है, पर वन प्लस 8 प्रो का डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है, तो वो बोल रहे हैं
आपको इसके बदले 35 का वाउचर देंगे, आप नया मोबाइल ले लो। पर हम जबरदस्ती क्यों भाई लें नया मोबाइल? सिंपल सी बात है, मैं 60,000 का फोन 35,000 में क्यों दूं? और ऊपर से वाउचर भी आपको वन प्लस का ही मिलेगा, मतलब आपको नेक्स्ट फोन भी वन प्लस का ही लेना है। और अगर वन प्लस का अगर आप फोन लेते हो फिर से उसमें लाइन आएगी, मतलब आप यही करते रहोगे और कोई आपका काम नहीं है। तो इनको ये देना चाहिए कि कंपनी को पूरा ठीक करके देना चाहिए, अदरवाइज इनको रिप्लेस करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी हमारा जो नंबर है कितना, 84 नंबर है हमारा, और अभी 60 कुछ चल रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा आधा एक घंटा जितना भी टाइम लगेगा। बट तब तक ये मॉल बहुत अच्छा है, खूबसूरत आ रहा है इसको देखने में, तब तक मैं सोच रही हूँ फोटो सेशन कर लूँ इधर। क्या मॉल है यार, ये देखो गूंज ने ट्रेन ले ली है, अभी एक ट्रेन चला रही है गूंज। मालगाड़ी ये पता है, यहाँ पूरे में सराउंड, ये तांगे की जो बग्गी नहीं आती थी पहले जमाने में, वैसे ही लग रही है। अच्छी है ना लेकिन? हाँ मस्त। प्लस के बारे में प्लीज, बहुत स्लो सर्विस है। स्लो सर्विस है ना, आपके में भी लाइन वाला इशू हुआ था एक साथ 15-20-30 लाइन आ गई। बाप रे, तो अभी फोन ले लिया उन लोगों ने? मेरी डबल लाइन थी इनके से, मेरी डबल लाइन। बाप रे, तो अभी ले लिया उन्होंने फोन ना? ठीक है, तो वाउचर वाला आपने भी मना किया ना? ठीक है ठीक है, थैंक यू। वापिस आए, वापिस 66 नंबर चल रहा है भाई। और लो वन प्लस हमारी तरह लेते सैमसंग। सैमसंग वाले पता है, अगर आप अपना फोन सर्विस सेंटर पे देने जाते हो, वो आपको चलाने के लिए भी दूसरा फोन देते हैं। एक इनके वहाँ की सर्विस है भाई, पहली बार जब मेरे उसमें लाइन आई थी घर से उठा के ले गए थे वन प्लस वाले, रिप्लेस करके दिया था मुझे। हाँ दिया था, लेकिन अभी तो परेशानी हो रही है ना, तब इसलिए दिया था। मैं बता दूँ तब क्यों दिया था, क्योंकि तब स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है, तो तब कम कस्टमर थे। अभी आप जाके देखो 90% लोग यही प्रॉब्लम से वो हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं क्रॉस वर्ल्ड में, वो है ऊपर क्रॉस वर्ल्ड, क्रॉस वर्ल्ड में जाएंगे। भाई इसने कुछ ऑर्डर किया अपने लिए, उसका प्राइस भी 104 हुआ, और मैंने कुछ ऑर्डर किया उसका प्राइस भी 104 ही हुआ। तो आज का हमारा लकी नंबर है। हां कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा मैं, ठीक है। ये क्या है, पेप्सी? ये तो लग ही नहीं रहा स्प्राइट इसमें। वो टी है वो। अच्छा टी है, टी है लिखा तो पेप्सी है, टी कैसे हो सकती है? ओह मैं प्राइस खाऊंगा, मैं खाऊंगी फ्राइज। मेरा 3 किलो कम हो गया गाइस, तो अब मैं थोड़ा बहुत खाना शुरू कर सकती हूँ। तो भाई इधर आए मेरे वाओ के मोमोज, मैं खाऊंगी मोमोज। यार कितने सॉफ्ट होते हैं पता है यार इनके मोमोज, ऐसे पकड़ो तक पकड़ने तक टूट गए, इतने अच्छे होते हैं। कैसे लग रहे हैं? चटनी घर से लाया करना तू, घर से एक उसमें लेके टिफिन में लेके चला कर। क्या पता था तू मोमोज पे आएगा? मुझे क्या पता था आज मेरे पैसे जाएंगे? कितना अच्छा खासा अकेला आ रहा था फिर, ये मेरे पीछे लग गई और खर्चा करवा। हाँ कहाँ चले गई वो? इधर को भगा उसको। तो कल इसने एक पहेली पूछी थी, क्या थी वो पहेली प्लीज बताओ? पहेली जो मैंने पूछी थी वो ये थी कि आंखें हैं पर अंधी है,
कान है पर बहरी है और मुंह है पर गूंगी है, तो बताओ कौन है? हाँ, ये पूछा था। तो एक मेरे ये देखने वाले हैं फॉलोवर्स, मुकेश नाम है शायद, तो उन्होंने नीचे लिखा है खेलने वाली गुड़िया। तो मेरे हिसाब से ठीक है, पर मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता। तो ये खेलने वाली गुड़िया सही आंसर है मुकेश जी, आप जीत चुके हैं पूरे 1 करोड़ रुपए, गूंज आपको घर पहुंचा देगी। गलत बात है ये, गलत बात है। ठीक है, तो फिलहाल मुकेश जी आप जीत चुके हैं, आपके पास बहुत सारा दिमाग है, आपने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे गेम भी है और देखो बच्चे खेल रहे हैं। अरे यहाँ से बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो भाई हिम्मत करके फिर हम दोबारा जा रहे हैं देखने के लिए कि अब कौन सा नंबर चल रहा है। तो वहाँ पे जो काउंटर में बैठे हो तो उनको पता हो तो कौन सा नंबर, इन्होंने ना एक्चुअली स्क्रीन भी नहीं लगा रखी है कि कौन सा नंबर चल रहा है, तो बार बार पूछना पड़ता है जाके। भाई अभी भी हमें टाइम लगेगा, अभी 74 नंबर चल रहा है, हमारा 84 है, तो हम तब तक सोच रहे हैं लूडो की तो गिट्टियाँ पूरी नहीं है, चेस खेलते हैं, चेस उठाओ उधर से। तो गाइज इतनी देर बैठने के बाद उन्होंने बोला है कि डिस्प्ले इसका आ ही नहीं रहा है, अगर आप देते भी हो तो दोबारा प्रॉब्लम हो गई तो कंपनी की कोई गारंटी नहीं है, वापस से ये इशू आपको हो सकता है। तो आरव का ऑप्शन ये अच्छा लग रहा है कि 35,000 का वाउचर लेता हूँ और फिर से नया फ़ोन लेता हूँ, वही करना पड़ेगा, कंपनी की प्लानिंग ही वही है, अब बेचारे को वही करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि हाँ इसने काफ़ी टाइम चला लिया तो इसके लिए वाउचर वाला वो मुझे भी ठीक लग रहा है कि वाउचर वाली प्लानिंग जो है इसके लिए वो ठीक है। गाइज आज का जो मेरा व्लॉग था वो पूरा वन प्लस के ऊपर था, क्योंकि वन प्लस में आप सब जानते हैं इशू चल रहा है ग्रीन लाइन का और बहुत सारे लोग परेशान हैं गाइज, और वहाँ पर आज 90% लोग जो थे वो इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो सब फ्रस्ट्रेटेड थे, लड़ाई भी जो हो रही थी वहाँ पे, मतलब बहस भी हो रही थी। तो अभी यही ऑप्शन है कि जिनके पास 8 प्रो है उनके लिए यही ऑप्शन है कि 35,000 का वाउचर उनको लेना पड़ेगा क्योंकि उनका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, और अगर कंपनी अगर ठीक करके दे भी दे रही है तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि वापस से वो ग्रीन लाइन आएगी या नहीं आएगी। तो बेटर ऑप्शन सबको यही लग रहा है कि 35,000 का वाउचर ले लेते हैं, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते इसमें, तो बस वही है। फिर आरव ने भी वही सोचा कि वो भी वही करेगा, लेकिन उसके लिए क्या था कि वो आज नहीं हुआ, उसके लिए आपको चार्जर ले जाना ज़रूरी है। तो जो लोग भी सर्विस सेंटर जा रहे हैं, अगर 35,000 वाला वाउचर अगर उन्हें लेना है तो आप अपना बिल और अपना चार्जर और अपना फ़ोन, ये तीनों चीज़ें लेकर ही सर्विस सेंटर में जाएं, अदरवाइज़ आपको चार्जर के लिए फिर से वापस आना पड़ेगा, फिर अगले दिन फिर लाइन में लगना पड़ेगा, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें आपको लेकर जानी पड़ेंगी। तो बस फिलहाल, और आज हमने नया मॉल भी देखा, पूरा मॉल तो मैं नहीं घूम पाई, सिर्फ 2-4 जगह मैंने आपको दिखाई हैं, और इतना बड़ा मॉल था वो, वहाँ का मैंने आपको 0.1% दिखाया है, और बाकी उसका व्लॉग बनाने में अलग से जाऊंगी क्योंकि आज यमी भी नहीं था, तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे वीडियो भी शूट करेंगे और उसके बाद अच्छे से मैं आपको वो मॉल दिखाऊंगी। तो बस फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले देखते रहिए कुंज ब्लॉग्स, देखना ना भूले कुंज वेव्स। थैंक यू सो मच। टाटा। कांति भाई आ गया, वो भी देख लो।